गरीब अमीर का खिलौना घर। एक स्कूल में रवि और रंजीत नाम के दो बच्चे पढ़ते थे। रवि बहुत गरीब लड़का था, रंजीत धनवान का बेटा था। दोनों पढ़ाई में बराबरी करते थे, लेकिन कक्षा के अध्यापक शेखर रवि को बहुत पसंद करते थे। ये देखकर रंजीत को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन शेखर मास्टर ने रवि के लिखे हुए एक निबंध को पढ़ा और शाबाश रवि, तुमने हमारे देश के बारे में बहुत बढ़िया निबंध लिखा है। तब रंजीत खड़ा हुआ और ये क्या मास्टर जी, मैं दो दिन बिना सोए अपना देश के बारे में बहुत जांच करके बहुत बढ़िया निबंध लिखा और आप मुझे छोड़कर रवि की प्रशंसा करते हैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, हम दोनों बराबर के नंबर लाते हैं फिर भी आप उसी की ही प्रशंसा करते हैं। आप उस पे तरस खाते हैं ना कि वो गरीब है। तब मास्टर जी, देखो रंजीत, तुमने निबंध बहुत बढ़िया लिखा है। अपने देश की जनसंख्या कितनी है, अपना जीडीपी क्या है, हमारे सैन्य बल कितना है, ऐसे सारे आंकड़े तुमने सही दिए हैं। तुमने काफी इस पर रिसर्च किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन रवि ने अपने चारों ओर देखकर, लोगों को समझकर, परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसने स्वयं लिखा है। ये इसे कहते हैं ओरिजिनलिटी। यूं स्वयं सोचने वाले बहुत कम हैं इस दुनिया में। मैंने कभी ये नहीं देखा कि रवि कितने मार्क्स लाता है। मैं उसके लिखने का दृष्टिकोण देखता हूँ, इसीलिए मुझे रवि बहुत पसंद है। बस यही बात है, मेरा उद्देश्य तुम्हें कम दिखाना नहीं है। तब रंजीत, तो मास्टर जी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तो ठीक है आप हम दोनों का मुकाबला करा दीजिए। इस मुकाबले में जो ओरिजिनलिटी दिखाएगा आप उसे बेस्ट स्टूडेंट घोषित कर दीजिए। शेखर मास्टर ने कुछ देर तक सोचा और फिर ठीक है, कल सवेरे तक तुम दोनों जो वस्तु तुम्हें मिले उससे एक खिलौना घर बनाकर दिखाओ। वो घर तुम्हारे घर में मिले सामान से ही बनाना होगा। घर बनाने के लिए अपने माँ बाप की मदद के अलावा और किसी की मदद नहीं ले सकते। जिसका घर ज्यादा देर तक टिका रहे उसी की जीत होगी। रंजीत और रवि ठीक है करके मान गए। रवि के पिताजी मिस्त्री थे, तो रवि ने उनसे ईंट, मिट्टी, रेत और सीमेंट लिया। रंजीत अपने पिताजी से, पिताजी हमारे घर में खिलौना घर बनाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैंने एक तरकीब सोचा है। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, आप मुझे ढेर सारे रुपए दे दो, मैं उन नोटों के बंडल से घर बनाकर हमारे मास्टर जी को चकित कर दूंगा। मेरी इस होशियारी को देखकर रवि जल जाएगा। बाद में आपके पैसे मैं संभाल कर लेकर लौटा दूंगा। बेचारे पिताजी मना नहीं कर पाए और अपने बेटे को नोटों के बंडल दे दिया। अगले दिन गांव के बाहर रवि मिट्टी, रेत और ईंटों से एक छोटा सा खिलौना घर बनाने लगा। उसके पास ही रवि नोटों के बंडल से घर बनाने लगा। इस तरह रवि ने एक बहुत सुंदर सा घर बनाया और उसके पीछे एक वाटर टैंक भी बनाया। रंजीत ने पैसों से एक सुंदर सा घर बनाया। उस दिन शाम को शेखर मास्टर उन दोनों के घर के पास आए। उन दोनों घर को देखकर मास्टर जी, रंजीत तुमने बहुत प्यारा घर बनाया है, और हाँ ये दुनिया का सबसे महंगा खिलौना वाला घर होगा। इस मुकाबले में विजेता को घोषित करने के लिए कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि दोनों ने बहुत मजबूत घर बनाए हैं। पर नोटों के इस घर को तुम इतने दिन बचाकर कैसे रखोगे? तब रंजीत, अरे इसकी मिट्टी के घर कितने दिन तक टिकने वाला है मास्टर जी, तब तक मैं घर के सुरक्षा के लिए कुछ पहरेदारों को नियुक्त कर दूंगा। इस तरह रंजीत ने पैसे देकर दो सिक्योरिटी गार्ड्स को घर के पहरे के लिए रख दिया। रंजीत उन दोनों से, मैं तुम दोनों को हर रोज मुंह मांगे पैसा दूंगा, लेकिन मेरे घर से एक नोट भी गायब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी इस गांव में बहुत चोर है, होशियार रहना। इस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स रंजीत के घर का पहरा देते हुए हर रोज उससे पैसे लेने लगे। एक दिन रवि के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने घर के पास कुछ लिलीपुट आए। एक लिलीपुट रवि से,
अरे वाह, ये घर और इसके पास बनाए हुआ ये वाटर टैंक हमारा बहुत काम आएगा। हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। आप हमें ये घर दे दो, इसके बदले में हम आपको 1000 सोने के सिक्के और हीरे देंगे। तब रवि वहीं खड़े रंजीत से, यार रंजीत, मैं ये घर इन लिलीपुट को बेच रहा हूँ, यानी इस मुकाबले में मैं हार गया। इन सोने के सिक्के और हीरे लेकर हम तुमसे भी ज्यादा धनवान हो गए हैं। मेरे लिए यही काफी है यार। तुम जाओ शेखर मास्टर को खबर करो और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ले लो। ये सुनकर रंजीत परेशान हो गया। बाद में रंजीत शेखर मास्टर के पास गया और, मास्टर जी आपने सच कहा था, रवि मुझसे ज्यादा समझदार है। मैंने रुपयों का बंडलों का घर बनाया और उसकी सुरक्षा के लिए और पैसे खर्च किए, लेकिन रवि ने मिट्टी का घर बनाया और उसे बेचकर लाखों रुपया कमाया। मैं समझ गया मास्टर जी कि मार्क्स और अवार्ड से ज्यादा सूझबूझ और समयापूर्ति ही काम आता है। ये सुनकर शेखर मास्टर बहुत खुश हुए।